मैं ये सोच रहा हूं कि फ्यूचर के बारे में तो काफी सवाल क्वेश्चंस में आएंगे, तो वहां उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हिस्ट्री का एक बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहूंगा और ये चर्चा फिर हम जारी रखेंगे किसी न किसी फॉर्म में, जिसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं, क्योंकि हमारा मूवमेंट अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए कमिटेड है। तो उसमें जो पॉलिटिक्स है, मॉडर्न पॉलिटिक्स, उसका जो इमर्जेंस है वो एक अल्टरनेटिव के ही तौर पे हुआ। लेट 18 सेंचुरी में, अर्ली 19 सेंचुरी में, जिसको आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कहते हैं, नॉर्मल पॉलिटिक्स कहते हैं, इलेक्शंस हैं, राइट्स हैं, वोट है, ये दुनिया में कहीं था नहीं। और जो एक राजशाही की, सामंतशाही की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन करके, संघर्ष करके, कुर्बानी दे करके लोगों ने ये हक हासिल किए। और धीरे धीरे दुनिया में जगह जगह किसी न किसी फॉर्म में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। उनको कई ट्रायल्स और ट्राइबुलेशन से लगातार गुजरना पड़ा, उनको रोकने की बहुत कोशिश हुई, पर वो बार बार संघर्ष करके अपने आप को इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हुए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, जो पॉलिटिक्स है, उसका मकसद केवल पॉलिटिक्स नहीं होता है। लड़ाई सत्ता से होती है, नए किस्म की सत्ता आती है, नए किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स बनते हैं, पर उसका जो मोटिव फोर्स है, जहां से वो स्ट्रगल स्टार्ट होते हैं, वो सोसाइटी के जो वाइडर इश्यूज होते हैं, वाइडर कंसर्न्स होते हैं, सोसाइटी के जो वाइडर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सोसाइटी का जो डेवलपमेंट का डिजायर होता है, एस्पिरेशन होता है, वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, मॉडर्न पॉलिटिक्स है, ये अपने आप में एक बहुत रिवॉल्यूशनरी अल्टरनेटिव के तौर पे दुनिया के सामने में आई, और बहुत समय लगा इस अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करने में। 1945 तक दुनिया के बहुत कम हिस्से थे जहां कोई स्टेबल डेमोक्रेटिक पॉलिटी थी, जहां यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था, ऐसे इलाके बहुत कम थे। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जहां से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जो जगह है, वो जो चीज है, वो अपने आप में ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत मेजर कल्चरल अचीवमेंट है। डेमोक्रेटिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इलेक्शंस, सॉवरेंटी ऑफ द पीपल, इस आइडिया को एक्सेप्ट करना, ये अपने आप में एक बहुत मेजर ह्यूमन हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। जो सवाल रहा डेमोक्रेसी के सामने, उसके थोड़ा स्टेबल हो जाने के बाद, उसके थोड़ा पॉपुलर हो जाने के बाद, उसके एस्टेब्लिश हो जाने के बाद, वो जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि जो आइडियाज हैं डेमोक्रेसी के, जिसमें सॉवरेंटी ऑफ पीपल एक सेंट्रल आइडिया है, जिसमें जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसको पीपल्स विल को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ये उसका एक सेंट्रल आइडिया है। पर प्रैक्टिस में ऐसा नहीं हो पाता है। जब प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है, तो कई बार हम लोग फ्रस्ट्रेशन में ऐसा बोलने लगते हैं कि इसका क्या फायदा है, इसकी क्या जरूरत है, इससे क्या होने वाला है, ये तो बोगस है। लेकिन अगर हम दुनिया पे नजर डालें और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पे भी नजर डालें, और जहां से हिंदुस्तान में एंटी करप्शन मूवमेंट जिस समय शुरू हुआ, उससे पहले जिसको हम अरब स्प्रिंग कहते हैं, या उससे पहले कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पे हम नजर डालें, तो हम देखेंगे कि जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, जहां जहां इलेक्शंस नहीं होते हैं,
ब्रॉडली फ्री एंड फेयर, वहां कितनी बड़ी लड़ाई दुनिया में अभी भी चल रही है इस चीज के लिए। तो ये कोई किसी नकली चीज के लिए लड़ाई नहीं चल रही है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको सिटीजन एक्टिविज्म कहते हैं, कभी कभी सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स भी कहते हैं। बिना डेमोक्रेटिक स्पेस के, बिना फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स का भी इमर्जेंस बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो फॉर्मल डेमोक्रेसी की जो जरूरत है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसको हमको कभी मिनिमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये फॉर्मल डेमोक्रेसी जो है, ये अपने आप में एडिक्वेट नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस ही हमको बता रहा है कि ये फॉर्मल डेमोक्रेसी में हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम विल ऑफ पीपल जो है वो प्रिवेल नहीं करता है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसको हमने एंटी करप्शन मूवमेंट के टाइम में क्रोनिज्म कहा, करप्शन है, क्राइम है, वो एक टेक ओवर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को भी वो टेक ओवर कर लेते हैं, स्टेट की पॉलिसीज को भी वो टेक ओवर कर लेते हैं। तो इसलिए फॉर्मल डेमोक्रेसी अपने आप में पीपल्स विल, पीपल्स सॉवरेंटी की गारंटी नहीं है, और इसमें बहुत मेजर चेंजेस की जरूरत है। हमारे समय में जब हम अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो उसका मेन मतलब यही होता है कि जो पावर में लोग हैं उनको कैसे अकाउंटेबल बनाया जाए, पावर में जो लोग हैं वो कैसे पीपल्स विल को रिजेक्ट ना कर सके, और इसके लिए पीपल्स विल को कैसे एसर्ट करें मोमेंट्स के थ्रू, इंस्टीट्यूशन के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। ये अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का फ्रेमवर्क और एजेंडा है। जो हिस्ट्री है हिंदुस्तान में अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की, वो एक लंबी हिस्ट्री है। मैं उसके दो तीन लैंडमार्क सिर्फ आज आपके सामने रखना चाहूंगा, क्वेश्चन आंसर में कुछ और बात होगी तो और बात कहेंगे। जो इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट हुआ, नेशनल लिबरेशन का स्ट्रगल हुआ, वो अपने आप में अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी मिसाल है। वो एक तरफ तो जो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स थे उनको हटाने का एक आंदोलन था, साथ ही साथ वो हमारे देश के लोगों की जो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस थी उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट हो, इसका भी वो आंदोलन था। और वो एक नेशनल यूनिटी का, नेशन फॉर्मेशन का भी मूवमेंट था। और जो स्टेट इमर्ज करेगा वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगा, ये भी नेशनल मूवमेंट में इनग्रेन था। तो एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही पावरफुल फ्रीडम मूवमेंट, इस देश में हुआ, और उसकी वजह से पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में कई प्रो पीपल मेजर्स भी लिए गए, डेमोक्रेटिक राइट्स के मामले में, यूनिवर्सल सफ्रेज के मामले में, जमींदारी एबोलिशन के मामले में, कई मामलों में जो हिंदुस्तान का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो स्टेज था उसके हिसाब से इंडिया की अगर पॉलिटिक्स को देखेंगे तो इन रिलेटिव टर्म्स में, ग्लोबल कंपरेटिव परस्पेक्टिव में भी अगर उसको देखें तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि हर जगह डेमोक्रेटिक पॉलिटी को कैप्चर करने की एक कोशिश लगातार होती है, हमारे देश में भी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सक्सेसफुल होते हैं और पॉपुलर रेजिस्टेंस का एक साइकिल इमर्ज करता है उसमें। तो एक रेजिस्टेंस का साइकिल जो है वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मूवमेंट, जिसको जेपी मूवमेंट कहते हैं, बिहार मूवमेंट कहते हैं, उसके फॉर्म में आया। उससे बहुत लोग उससे वाकिफ होंगे। जेपी मूवमेंट के बाद जो गवर्नमेंट बनी और गवर्नमेंट कोलैप्स हुई, उसके बाद फिर से एक नया फेज अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का है। जेपी मूवमेंट तक जो पॉलिटिक्स थी
उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत मेजर रोल था, पीपल्स के एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, एस्पिरेशंस को प्राइमरली पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया जाता था, और जेपी मूवमेंट भी एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुई। पर आप पोस्ट 77, पोस्ट 1980 इंडियन पॉलिटिक्स को अगर देखेंगे तो जो लोगों की तकलीफ थी, लोगों का जो एंगर था, लोगों को जो एस्पिरेशंस थे, उसको एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज का सहारा लेना छोड़ दिया, और बहुत तरह के, जिसको हम पीपल्स मूवमेंट कहते हैं, सोशल मूवमेंट्स कहते हैं, सेक्शनल मूवमेंट्स कहते हैं, उनका एक एक्सप्लोजन 1980 के बाद हुआ। और जब एंटी करप्शन मूवमेंट का नया फेज शुरू हुआ अन्ना हजारे जी के लीडरशिप में, उसको भी उसी साइकिल के, उसी ट्रेडिशन के एक हिस्से के तौर पर देखा गया। पर ग्रेजुअली जो मासेस मूवमेंट के टाइम में अपने आप को एक एंटी पॉलिटिक्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रही थी, पॉलिटिक्स के खिलाफ अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी, और ऐसा अक्सर होता है कि लोग जब मूवमेंट में आते हैं तो कई बार वो पॉलिटिक्स को गाली देते हुए मूवमेंट में आते हैं, पर मूवमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो इतना एजुकेटिव होता है, मूवमेंट लोगों के अपने इवोल्यूशन में मदद करता है, मूवमेंट के इवोल्यूशन में मदद करता है। और मूवमेंट के एक बहुत बड़े सेक्शन ने ये रियलाइज किया कि पॉलिटिक्स के बिना जो सवाल हम आज उठा रहे हैं, उस सवाल का रिजोल्यूशन नहीं हो पाएगा, और फिर उसको एक पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया गया। और जब पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया तो काफी लोगों ने उस अल्टरनेटिव को सपोर्ट किया। अब उसके बाद जो हुआ, दैट इज अ वेरी रिसेंट हिस्ट्री, मोस्ट ऑफ अस आर फैमिलियर अबाउट दैट, I have taken a lot of time. I hope many questions about future alternative politics will come up in this discussion, and I will be able to reflect on that during the course of discussion. Thank you.